तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स में से मनी और बैंकिंग के फोर्थ पार्ट के बारे में। इसके 3 लेक्चर्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कि मनी और बैंकिंग दो सेपरेट कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें से हम मनी के सभी कॉन्सेप्ट्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और बैंकिंग के कॉन्सेप्ट को हमने थोड़ा स्टार्ट कर दिया था। बैंकिंग के कॉन्सेप्ट में से लास्ट लेक्चर में हमने कमर्शियल बैंक और उसके फंक्शंस को अंडरस्टैंड किया था। वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक है टू क्रिएट क्रेडिट इन द मार्केट, और ये फाइनल एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये टॉपिक या फिर कोई भी लेक्चर आपने मिस किए तो सभी लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या है, कौन कौन से फंक्शन इसको परफॉर्म करने होते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि बैंकिंग सिस्टम जो है ना, वो हर एक कंट्री का बैकबोन होता है। बिना बैकबोन के कोई इंडिविजुअल खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता। सिमिलरली एक इकोनॉमी चल नहीं सकती, यानी एक इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती अगर बैंकिंग सिस्टम का अच्छा सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अब बैंक्स बहुत तरह के होते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सो ऑन। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था। अब कमर्शियल बैंक्स तो वो बैंक है ना जो हम पब्लिक के साथ डील करते हैं। हम अपने पैसे को डिपॉजिट करवाएं, हम अपने सरप्लस को डिपॉजिट करवाएं तो कहाँ करवाएं, कमर्शियल बैंक में। हम आम जनता को, जनरल पब्लिक को अगर पैसे की जरूरत पड़े, लोन लेने की जरूरत पड़े तो कहाँ जाएं, कमर्शियल बैंक के पास। लेकिन क्या कमर्शियल बैंक के ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो? नहीं, मैं तो नहीं कर सकता। हाँ, मैं तब भरोसा कर सकता हूं अगर गवर्नमेंट गारंटी दे, गवर्नमेंट मेक श्योर करे कि यहां पर जमा कराया गया पैसा कहीं जाएगा नहीं। मैं अगर पैसा जमा वहां पर कराता हूं तो वो डूबेगा नहीं, रिकवर हो जाएगा, जब मैं चाहूं उतना पैसा निकाल सकता हूं, अगर गवर्नमेंट गारंटी दे। इसका मतलब कमर्शियल बैंक के ऊपर गवर्नमेंट की गारंटी इंपॉर्टेंट है, और उस गवर्नमेंट की गारंटी को ही हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। यानी ये जो छोटे छोटे बैंक हैं, इन सबको संभालने के लिए हमें एक बड़े बैंक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, वो है सेंट्रल बैंक। जैसे हम बच्चों को संभालने के लिए माँ बाप हैं, कोई गलती करें तो उसके लिए डांट पड़ती है, मार पड़ती है, कैसे भी पड़ती हो, बेलन से, डंडे से, जैसे भी पड़ती हो, है ना, हमें सुधारने के लिए। ऐसे ही हमारे कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम को सुधारने के लिए, ताकि वो कोई गलती ना करे, कोई क्राइम ना करे, कोई फ्रॉडलैंड एक्टिविटी ना करे, उसके ऊपर कंट्रोल रहे, रेगुलेशंस रहे, इसके लिए एक बैंक बनता है, वो है सेंट्रल बैंक। हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, और उस सेंट्रल बैंक का मेन काम क्या होता है, नीचे जो छोटे कमर्शियल बैंक है, जितने भी तरह के बैंक है, उन सब के ऊपर निगरानी रखना, मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, उनके लिए गाइडलाइंस बनाना, रूल्स और रेगुलेशंस बनाना, ताकि वो अपनी हद पार ना करें, है ना। जैसे पेरेंट्स आपको एक लिमिट देते हैं कि इस लिमिट के बाहर मत जाना, है ना, ये गलती मत कर देना, तो सेंट्रल बैंक भी एक लिमिट प्रोवाइड करता है कि भाई इससे ज्यादा आपको अथॉरिटी नहीं है कि आप इसके बियॉन्ड जाके काम कर सको। तो सेंट्रल बैंक क्या, सेंट्रल बैंक एक सेंट्रल लेवल पर दी गई अथॉरिटी है। किसने दी, गवर्नमेंट ने। एक ऐसे सेंट्रल लेवल की अथॉरिटी है जिसका मेन काम है एक कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना, मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, रूल्स और रेगुलेशंस प्रोवाइड करना, ताकि उसके अकॉर्डिंग सारा जो कंट्री का बैंकिंग सिस्टम है वो वर्क कर सके। तो देखो यहां पर कितना अच्छा लिखा हुआ है और कितने क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है, सेंट्रल बैंक। क्या है ये सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक इज द सेंट्रल अथॉरिटी विच कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपेक्स बैंक एज इट रेगुलेट्स द बैंकिंग एक्टिविटीज ऑफ अ कंट्री। सेंट्रल बैंक एक सेंट्रल अथॉरिटी है जिसका मेन काम क्या है, हर कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना। इसलिए हम इसको अपेक्स बैंक भी कहते हैं, क्योंकि इसका मेन काम ही ये है कि बैंकिंग एक्टिविटीज को रेगुलेट करना। यानी जो मेन हाइलाइटिंग वर्ड्स हैं वो है, ये एक सेंट्रल अथॉरिटी है फॉर कंट्रोलिंग
बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। ये इसके की वर्ड है जो आपको सॉल्यूशन में आंसर में जरूर मेंशन करने, तभी आपका आंसर वर्थ होगा और उसको पूरे मार्क्स मिले। तो सेंट्रल बैंक क्या है? एक एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी का मतलब है ये बैंकिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, ताकि एक इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम प्रॉपरली वर्क करता रहे। अदरवाइज अगर कमर्शियल बैंक को पता होगा हमारे ऊपर निगरानी रखने के लिए कोई नहीं है, तो जैसे मर्जी काम करो, जो मर्जी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करो, कोई देखने वाला है ही नहीं। तो दैट इज वाई यहां पर एक सेंट्रल बैंक की जरूरत पड़ती है। और सेंट्रल बैंक हर कंट्री का अपना होता है, ये नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में एक ही सेंट्रल बैंक होगा, हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे कि इंडिया के, इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही हमारा सेंट्रल बैंक है सदियों से। देन इंग्लैंड का अपना सेंट्रल बैंक होगा, बैंक ऑफ इंग्लैंड। अमेरिका का अपना सेंट्रल बैंक होगा, फेडरल रिजर्व सिस्टम। अच्छा, क्योंकि हम इंडिया की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी आपको ना डेट्स की नॉलेज होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, वो इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन सी है? सबसे पहले आती है इसकी डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हम याद करेंगे, है ना, फिर ये तो नॉर्मल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दी हुई है, पढ़ लेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सबसे पहले डेट आती है एस्टेब्लिशमेंट, कब एस्टेब्लिश हुआ था ये? 1 अप्रैल 1935। और इसका एक्ट कब बना था? इसका एक्ट बना था 1934 में, 1934 ड्यूरिंग द ईयर एक्ट बना, अगले साल की फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट डेट को इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया। अच्छा, जब ये एस्टेब्लिश हुआ था तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट एज अ प्राइवेट ऑनरशिप में हुई थी, पब्लिक सेक्टर में नहीं हुआ था, मतलब ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं था, तब ये प्राइवेटली ओन्ड था, ठीक है। फिर इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर फर्स्ट ऑफ ऑल कहां पर था? कलकत्ता या कोलकाता, जो भी आप इसको कहना चाहें, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, कन्वर्जन, यानी सेंट्रल बैंक की कन्वर्जन कब की गई, पब्लिक से प्राइवेट से इसको पब्लिक कब बनाया गया? 1949 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइज करने का मतलब है इसको प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। यानी 1935 जब इंडिया की इंडिपेंडेंस नहीं हुई थी, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट का कंट्रोल था, तब ये प्राइवेटली ओन्ड एस्टेब्लिश किया गया था, और वो भी कोलकाता में। 1934 एक्ट बना था, 1935 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। अच्छा, कोलकाता से ये मुंबई कब शिफ्ट हुआ? अब तो ये मुंबई में है ना, 1937 में ही इसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था। शिफ्ट करने के बाद इसको नेशनलाइज कब किया गया? 1949 में। और तब से लेके अब तक ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही है, ये एक सेंट्रल अथॉरिटी ही है। अच्छा, अब इसकी सारी डेट्स यहाँ पर हमें गिवन है, उससे पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स गिवन है। फर्स्ट सेंट्रल बैंक पूरे वर्ल्ड में से, फर्स्ट सेंट्रल बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1668 में स्वीडन में। लेकिन ये जो सेंट्रल बैंक था ना, ये ज्यादा इफेक्टिव सेंट्रल बैंक नहीं था, ज्यादा कुछ इसको मतलब काम नहीं दिया गया था, कोई अथॉरिटी, कोई रूल्स रेगुलेशंस, कोई पेनाल्टी चार्ज करना, कुछ नहीं था, बस बना दिया, नाम का बना दिया। तो इफेक्टिव सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम कब एस्टेब्लिश हुआ? 1694 में ये एक इफेक्टिव सिस्टम आया था, जिसमें सेंट्रल बैंक को प्रॉपर अथॉरिटी, रूल्स रेगुलेशंस सब प्रोवाइड किए गए। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हम अगर इंडिया की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, है ना। इसकी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दी हैं, फिर भी आप एक बार देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या है? सबसे पहले तो है इश्यू ऑफ करेंसी। जब हम सेंट्रल बैंक की बात करते हैं ना, तो सेंट्रल बैंक यानी हर कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक होता है, और हर सेंट्रल बैंक का ये फंक्शन होता है।
मैक्सिमम 99% जितने भी सेंट्रल बैंक है वर्ल्ड के, सभी के ये मेन फंक्शंस हैं। लेकिन हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इश्यू ऑफ करेंसी, हर कंट्री का अपना जो सेंट्रल बैंक है, गवर्नमेंट उसको वो अथॉरिटी देती है कि आप करेंसी इशू करो, मॉनेटरी पॉलिसीज आप बनाओ, फाइनेंशियल पॉलिसीज हम बनाएंगे। आपको पता होना चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं, फाइनेंशियल पॉलिसी जिसको हम फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं, ये गवर्नमेंट ही बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई, यानी हर कंट्री का सेंट्रल बैंक, और इसकी अथोराइजेशन गवर्नमेंट ही देती है। सिमिलरली करेंसी इशू करने की जो अथॉरिटी है वो आरबीआई के पास है, हालांकि आती ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही है, लेकिन करेंसी सिर्फ यही इशू कर सकता है, कमर्शियल बैंक करेंसी इशू नहीं कर सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी करेंसी नोट्स हैं, जितने भी इंडिया के करेंसी नोट्स हैं, बस एक रुपए के नोट को छोड़कर जितने भी नोट हैं, 2 रुपए, अब तो आते नहीं है 2 रुपए के नोट, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 भी था नहीं है, 1000 भी था कभी वो भी नहीं है, है ना। तो ये जितने भी करेंसी नोट हैं, इन सब की जो आप कह लो इशू करने की अथॉरिटी आरबीआई के पास है, सिर्फ 1 रुपए के नोट को छोड़कर। आप देख लेना, अगर आपके पास 1 रुपए का नोट होगा ना, तो उसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिखा होगा, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा, और वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी फाइनेंस मिनिस्टर के साइन होंगे, आरबीआई के गवर्नर के नहीं, बल्कि इन सभी नोट्स के ऊपर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं और वहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा जाता है। इसके अलावा इंडिया में जो क्वाइंस हैं, क्वाइंस की अथोराइजेशन इशू करेंसी करने की अथोराइजेशन किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको होनी चाहिए, और ये जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जरूर मेंशन करो, क्योंकि अगर आप सिर्फ इतना लिख के आते हो कि भाई सेंट्रल बैंक ही एक बैंक है, उसके पास ही अथॉरिटी होती है, वही करेंसी इशू कर सकता है, ये तो नॉर्मल हर स्टूडेंट ने लिखा होगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आप बता रहे हो, तो एक्स्ट्रा ये आपको बताना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट राइट ऑफ एनी सेंट्रल बैंक इज टू प्रिंट द करेंसी नोट्स ऑफ एन इकोनॉमी विच विल एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। In India, this authority is provided to the Reserve Bank of India to issue the notes. That is why Central Bank is also called as Bank of Issue. इसलिए इसको हम Bank of Issue भी कहते हैं। चलिए, next हमारे पास है Banker to the Government. अब ये बहुत important है। देखो, एक नाम, एक normal person जो है, है ना? Normal person चुन्नू, हमने चुन्नू की एग्जांपल ली थी, आपको याद होगा। ये जो चुन्नू है, अगर इसको अपना सरप्लस फंड डिपॉजिट कराना है तो ये कमर्शियल बैंक के पास जाएगा, है ना। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इसको फंड्स की जरूरत पड़ती है या इसको अपना सरप्लस फंड डिपॉजिट कराना है, तो ये किसके पास जाए? कमर्शियल बैंक के पास तो जाएगी नहीं, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स आर द बैंक्स फॉर द जनरल पब्लिक। तो सेंट्रल बैंक कहां पर जाएगी? वो जाएगी आरबीआई के पास। जैसे मेरे को फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो मैं कमर्शियल बैंक के पास जाता हूँ, मेरे को सरप्लस फंड डिपॉजिट कराने हैं तो मैं कमर्शियल बैंक के पास जाता हूँ, मेरे को कोई एडवाइस लेनी है, मेरे को चेक फैसिलिटी यूज करनी है, या फिर मेरे को अपने जेवर, गहने, ज्वेलरी डिपॉजिट करानी है, चेक अमाउंट ट्रांसफर करनी है, कमर्शियल बैंक के पास। ऐसे सब काम के लिए गवर्नमेंट कहां पर जाए? आरबीआई के पास। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो आरबीआई है ना, जो सेंट्रल बैंक है, वो गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम करता है। कैसे? 3 तरीके से। पहला, जैसे हम अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं वैसे सेंट्रल बैंक भी अपना पैसा डिपॉजिट कराती है, पहला। दूसरा, अगर हमें कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना है, बैंक अकाउंट ट्रांसफर करवाने हैं, अमाउंट ट्रांसफर करानी है, तो एज एन एजेंट बैंक हमारे लिए काम करता है ना, हमारे कहने पर बैंक
हमारे मोबाइल बिल्स पे करता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकता है, अमाउंट ट्रांसफर कर सकता है। ऐसे ही सेंट्रल बैंक भी आरबीआई को एज एन एजेंट की तरह काम करवाती है। एजेंट की तरह अगर गवर्नमेंट चाहे तो अपने शेयर्स बिकवाती है, अपने शेयर्स वापस परचेज करती है। और इसके अलावा थर्ड फंक्शन क्या परफॉर्म करता है आरबीआई, एज एन एजेंट, एज अ एडवाइजर। जैसे मेरे को अगर कभी एडवाइस की जरूरत पड़े तो मैं अपने कमर्शियल बैंक के पास जा सकता हूँ, पूछ सकता हूँ, हालांकि वो उसकी फीस चार्ज करेगा। मैं पूछ सकता हूँ अपने रिलेशनशिप मैनेजर से कि भाई बताओ मेरे को ऐसा करना है, क्या करें, कौन से स्कीम में पैसा लगाएं। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट को एडवाइस की जरूरत पड़ती है, एज अ एडवाइजर कौन आएगा सामने, आरबीआई। तो तीन तरीके से आरबीआई गवर्नमेंट को फंक्शन परफॉर्म करके देता है, एज अ बैंकर, एज अ एजेंट, एज अ एडवाइजर। अब देखो यहां पर बहुत क्लियर कट मेंशन किया गया है, सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो नोन एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, एज सेंट्रल बैंक परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट एक्ट एज एन एजेंट, इट एक्ट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, इट ऑल्सो एक्ट एज अ बैंकर। बैंक की तरह तो काम करता ही है, लेकिन इसके अलावा एजेंट की तरह भी काम करता है और फाइनेंशियली एडवाइस भी देता है। इसको थोड़ा और क्लियर कट यहां पर दिया गया है, एज अ बैंकर या फिर एज एन एजेंट का क्या काम है सेंट्रल बैंक, एज एन एजेंट क्या करता है। एज एन एजेंट सेंट्रल बैंक हेल्प्स द गवर्नमेंट टू सेल देयर सिक्योरिटीज इन द मार्केट, रिसीविंग द अमाउंट फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स। सेंट्रल बैंक अगर अपने शेयर्स बिकवाना चाहते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, तो आरबीआई के थ्रू, और अगर वापस परचेज करना चाहती है तो आरबीआई के थ्रू एज एन एजेंट। सिमिलरली एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आरबीआई क्या करता है, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर सेंट्रल बैंक प्रोवाइड वेरियस डाटा टू, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर जो सेंट्रल बैंक है वो तरह तरह के डाटा जो रिक्वायर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिसीजन लेने के लिए वो प्रोवाइड करता है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनानी है, उस पॉलिसी को बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ डाटा की रिक्वायरमेंट है ना, वो डाटा कहाँ से आएगा, वो डाटा आएगा आरबीआई की तरफ से। तो तीन तरह के काम करता है, एक तो एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट इट मैनेजेस द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट, एज एन एजेंट टू द गवर्नमेंट इट बाय एंड सेल सिक्योरिटीज, एंड एज अ एडवाइजर टू द गवर्नमेंट इट फ्रेम्स पॉलिसीज टू रेगुलेट द मनी मार्केट। मतलब मनी मार्केट या फिर और भी बहुत सारी एडवाइजेस ये प्रोवाइड करता है ताकि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल किया जा सके। अच्छा, अभी हमने देखा कि कमर्शियल बैंक आम जनता के लिए बैंक है, जो आरबीआई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बैंक है, लेकिन आरबीआई जो है वो बैंकों का भी तो बैंक है ना। अभी हमने यही तो डिस्कस किया कि जितने भी बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक या फिर अदर बैंक्स, वो सब आरबीआई के बिहाफ पर, आरबीआई के कहने पर, आरबीआई के अंडर, आरबीआई के कंट्रोल में काम करते हैं। तो तीसरा मेन फंक्शन क्या है सेंट्रल बैंक का, इट विल एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक है। अगर हम आम जनता को पैसे की जरूरत पड़ती है, लोन की जरूरत पड़ती है, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, सरप्लस फंड्स अगर हमें डिपॉजिट कराने हैं, हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं। लेकिन अगर हमारे बैंक को, आईसीआईसीआई बैंक को, पीएनबी को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, इन सबको पैसे की जरूरत पड़े तो ये किसके पास जाते हैं, ये अपना सरप्लस फंड कहाँ डिपॉजिट कराते हैं, ये कहाँ से लोन लेते हैं, आरबीआई से। तो सेंट्रल बैंक ऑल्सो एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक है। देखो क्या लिखा है, सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो कॉल्ड बैंकर्स बैंक एज इट वर्क एज एन एपेक्स बॉडी विच कंट्रोल द होल बैंकिंग सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमी। पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है आरबीआई, इसलिए बैंकों का बैंक है ना ये तो। जस्ट लाइक अ नॉर्मल बैंक, सेंट्रल बैंक इज वर्किंग एज अ बैंक फॉर द बैंकिंग सिस्टम विच रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। नॉर्मल बैंक की तरह आरबीआई भी बैंक है, बस हाँ डिफरेंस इतना है कि जो आरबीआई है वो आम जनता का बैंक नहीं है, वो बैंकर्स बैंक है, कमर्शियल बैंकों का बैंक है। एज अ बैंकर्स बैंक सेंट्रल बैंक क्या करता है, इट रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ बैंक्स, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, ग्रांट लोन्स टू द बैंक। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन कमर्शियल बैंक करता है, लेकिन हम हमारे लिए, बैंकों के लिए कौन करेगा, आरबीआई।
चलिए नेक्स्ट है फोर्थ, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का मतलब होता है कि कई बार अगर जरूरत पड़ने पर कमर्शियल बैंक को जरूरत पड़े, क्राइसिस आ जाए, मिसमैनेजमेंट हो जाए, लॉसेस हो जाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब उन लोगों को दिया गया लोन जो इररिकवरेबल है, उन लोगों को दिया गया लोन जो इररिकवरेबल है उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, क्योंकि वो पैसा डूब गया, आएगा ही नहीं वापस। अगर ऐसी सिचुएशन आए, क्राइसिस हो जाए, तो बैंक हर जगह से मदद मांग के थक चुका है, कहीं से उसको मदद नहीं मिली, लेकिन लास्ट में वो किसकी हेल्प ले सकता है? आरबीआई की। तो इसीलिए हम आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट भी कहते हैं। अच्छा, अब एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट इसका मेन काम क्या होगा? प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, उसका रिलेवेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, जरूरत पड़ने पर पैसा भी देना। तो देखो क्या लिखा है, कमर्शियल बैंक क्रिएट्स मनी एंड हेल्प इन ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, बट अ सिचुएशन मे कम वेयर कमर्शियल बैंक्स आल्सो नीड सम फाइनेंस टू ओवरकम सर्टेन सिचुएशन ऑफ क्राइसिस। कमर्शियल बैंक मार्केट में मनी क्रिएट करता है, सप्लाई करता है, इकोनॉमी की ग्रोथ करता है, और अगर जरूरत पड़े तो क्या उसकी मदद नहीं होगी? यस, एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट उसकी हेल्प भी की जा सकती। देखो यहां पर लिखा हुआ है, एट दैट टाइम सेंट्रल बैंक इज द लेंडर फॉर द कमर्शियल बैंक। इट मीन्स इफ कमर्शियल बैंक इज नॉट एबल टू अरेंज फाइनेंस फ्रॉम एनी अदर सोर्स, then the central bank will be a lender of last resort. तब last resort में कौन help करेगा? Central government, central bank. चलिए इतना clear है। अब आते हैं fifth function के ऊपर, custodian of foreign reserve. अब ये भी बहुत simple है। देखो मान लो ये एक बंदा है, ठीक है, और दूसरी तरफ ये एक बंदा है ना, थोड़ा डिफ्रेंसिएशन करने के लिए मोटू पतलू। अच्छा, अब ये एक इंडियन है जो फॉरेन कंट्री में जाना चाहता है, और ये एक फॉरेनर है जो इंडिया में आना चाहता है। अब इसमें क्या होगा? करेंसी का एक्सचेंज। तो वो करेंसी कहां से आएगी? आरबीआई। यस, आरबीआई के पास इंडियन करेंसी तो होती है। ये फॉरेनर जब इंडिया में आएगा तो करेंसी एक्सचेंज करेगा, कहां से करेगा? आरबीआई से। ये फॉरेनर डॉलर्स देगा और रुपीस ले लेगा, क्योंकि इसको इंडिया में अगर आना है तो इसको रुपीस चाहिए होंगे, डॉलर्स काम नहीं करेंगे। वैसे ही अगर इंडियन पर्सन कहीं फॉरेन में घूमने जाना चाहता है तो इसको डॉलर्स चाहिए, तो डॉलर्स कहां से लेके आएगा? आरबीआई के पास है ना डॉलर। सर, आरबीआई डॉलर भी छापता है। ये फॉरेन पर्सन ने क्या किया? डॉलर दिए ना, डॉलर्स दिए और रुपीस लिए। अब इसको डॉलर्स चाहिए तो ये डॉलर आरबीआई से लेगा, बदले में रुपीस दे देगा। तो इस तरह से आरबीआई जो है वो करेंसी एक्सचेंज में भी डील करता है, और मैक्सिमम ये फॉरेन करेंसी को अपनी कस्टडी में रखता है, ताकि जरूरत पड़ने पर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पर, या फिर ट्रेवलिंग करने पर, या जब भी जरूरत पड़े हम फॉरेन की करेंसी को यूज कर सके। तो कस्टोडियन का मतलब होता है कस्टडी में रखना, जब तक जरूरत नहीं है तब तक इसको संभाल कर रखना। तो आरबीआई का ये भी एक काम है, वो फॉरेन करेंसी को अपनी कस्टडी में रखता है और जब जरूरत पड़े तब उसको मार्केट में सप्लाई करता है, एज पर द इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेवलिंग रिक्वायरमेंट्स। तो देखो यहां पर क्या कह रहे हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स में, सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स, विच मीन्स सेंट्रल बैंक maintains the reserves of different currencies, foreign currencies, to deal with the foreign transactions. In foreign transactions के साथ deal करने के लिए currency में ये deal करता है, foreign currency को maintain करता है. Along with that, a central bank also manages the exchange rate, which helps in creating stability in the rate of foreign currency. अभी balance of payment chapter आपको आया नहीं है, लेकिन आएगा, उसमें आप पढ़ोगे कि कैसे RBI जो है वो currency की demand को और supply को maintain करता है, ताकि डॉलर ज्यादा महंगे भी ना हो और ज्यादा सस्ते भी ना हो, फॉरेन एक्सचेंज को भी ये मेंटेन। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन, सिक्स्थ और सेवेंथ, बहुत इजी है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब देखो इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। मान लो दो पर्सन है, वही मोटू पतलू, ठीक है,
ठीक है, फ्लावर जैसा लग रहा है, हाँ पतलू है ना इसलिए फ्लावर जैसा लग रहा है, और दूसरा मोटू, अब ये कद्दू जैसा लग रहा है, ठीक है पैर नजर आ ही नहीं रहे हैं इसके बेचारे के, इतना मोटा है ये, चलिए। अच्छा अब देखो हुआ क्या, ट्रांजैक्शन हुई, ये हमारे पास है सेलर और ये हमारे पास है बायर, ठीक है, इसने इसको गुड्स सप्लाई की सेलर और इसने बदले में इसको चेक दे दिया, चेक से पेमेंट कर दी, चेक इज अ विच काइंड ऑफ मनी, फेट और फिड्यूशरी, कमेंट करके बताना, ठीक है, तो चेक में पेमेंट कर दी। अब हुआ क्या, ये पर्सन जो है ना इसके पास चेक बुक थी पीएनबी की, पंजाब नेशनल बैंक, तो ये तो चेक पीएनबी का ही देगा, लेकिन इस पर्सन का जो अकाउंट है ना वो एसबीआई में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब ये बंदा एसबीआई में पीएनबी का चेक लेके जाएगा, तो एसबीआई वाले कहेंगे ना पीएनबी का चेक हमारे पास क्यों लेके आए हो, इस बंदे का अकाउंट एसबीआई में है ही नहीं, तो मैं आपको पैसे निकाल के कहां से दूं। फिर ये बंदा पीएनबी में जाएगा, पीएनबी में कहेगा भाई आपका अकाउंट है ही नहीं, पीएनबी वाले तो ये कहेंगे ना भाई मोटू आपका अकाउंट तो हमारे पास है ही नहीं, हम पतलू के अकाउंट में से पैसा निकाल तो लेंगे लेकिन आपके अकाउंट में डालेंगे कैसे, आपका अकाउंट तो हमारे पास है ही नहीं, या तो अकाउंट ओपन करो। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए आरबीआई की जरूरत पड़ती है, आरबीआई में हर एक बैंक का अकाउंट मेंटेन रहता है, मैंने बताया था ना हर कॉमर्शियल बैंक को अपना कुछ पैसा कैश रिजर्व रेशियो की फॉर्म में आरबीआई के पास डिपॉजिट रखना पड़ता है। तो बस सिंपल है, आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई पीएनबी के अकाउंट में से पैसे डिडक्ट करेगा और एसबीआई के अकाउंट में ऐड कर देगा, तो बस हो गया सेटल। यानी आरबीआई जो है इट विल वर्क एज द क्लियरिंग हाउस फंक्शन, टैक्स की क्लियरेंस के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, दोबारा दोबारा बार बार नए नए अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, आरबीआई के पास हर एक बैंकिंग सिस्टम का अकाउंट रहता है, बस चेक की क्लियरेंस यहीं से होती है। एसबीआई बैंक जो है वो आरबीआई के पास जाएगा और कहेगा पीएनबी के में से पैसे डिडक्ट करो और हमारे अकाउंट में डालो ताकि हम मोटू को पैसे दे सके, ठीक है। सो दिस इज व्हाट क्लियरिंग हाउस फंक्शन। यहां पर देखो क्या लिखा है, सेंट्रल बैंक ऑल्सो एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस विच मीन्स इट क्लियरेंस इन क्लियरेंस ऑफ चेक withdrawn by one bank on each other, it avoid transfer of cash. अब इसमें cash की transaction हट जाएगी, ये नहीं है कि भाई cash लेके आएगा cash लेके जाएगा, ऐसा नहीं, check से ही सब system हो जाएगा। It avoid transfer of cash between the banks and reduces their requirement for cash reserve. Cash reserve की requirement भी कम हो जाती है, check system से ही work चलेगा तो cash की requirement ही नहीं होगी ना ज्यादा। चलिए next और last हमारे पास है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। अब ये आपको पता होना चाहिए, कॉमर्शियल बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं मार्केट में, कैसे, बाय ग्रांटिंग द लोन। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मार्केट में क्रेडिट क्रिएट हो गया ना, मार्केट में बहुत ज्यादा लोन ग्रांट होने लगे, बहुत ज्यादा डिपॉजिट जनरेट होने लगे और ज्यादा लोन ग्रांट होने लगे और प्राइमरी और सेकेंडरी डिपॉजिट होने लगे, ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो कॉमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं बाय ग्रांटिंग द लोन, लेकिन अगर ऐसे ही लोन ग्रांट होता रहा, सेकेंडरी डिपॉजिट्स आते रहे, तो मार्केट में तो इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन आ जाएगी, हर बंदे के पास पैसा होगा, तो इसको कंट्रोल भी करना है, तो सेंट्रल बैंक इसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने के ना बहुत सारे मेथड्स हैं, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बहुत सारे मेथड्स हैं, वो मेथड हम आने वाले सेशन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि आरबीआई का एक और फंक्शन होता है और वो फंक्शन क्या होता है, क्रेडिट को कंट्रोल करना, यानी कॉमर्शियल बैंक जो मार्केट में क्रेडिट क्रिएट करते हैं उसके ऊपर रोक लगाना, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना। वो कैसे करते हैं वो अभी नहीं, बाद में समझ आएगा जब हम वो टॉपिक करेंगे। तो क्रेडिट और मनी क्रिएटेड बाय द कॉमर्शियल बैंक्स आर बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, ये नहीं कि भाई क्रिएट करते जाओ। Central bank maintains the process of credit creation and control the supply of money in an economy through various methods. So central bank के पास बहुत सारे ऐसे methods होते हैं जिससे वो credit को control करता है।
आने वाले सेशन में वो हम देखेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ।